सोचा एक शेर है वो मैंने तू पंजाबी च करके विखाना है। अच्छा दसो। नाज की उसकी लब की क्या कही है, आ हा हा पंखड़ी गुलाब की सी, आ हा हा, इनू तू पंजाबी च करके दस। अच्छा काइंडली आप टिपू ज्ञाना को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। मैडम हम अस्सलाम वालेकुम, मैं टिपू आज जा रहे हैं एक नई जगह पे। सलाम बाद ले तो पहले बेल्ट ला बड़ा मन फड़ा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का व्लॉग है फूड व्लॉग पे। आज मैं और टिपू जा रहे हैं शालकोट का फूड चेक करने, तो चलो चल के देखते हैं कि किस जगह हम आज जा रहे हैं, जाके डिसाइड होगा। तो व्लॉग का स्टार्ट इस गाने से होगा। फास्ट फूड के देसी तुसी दसो ना। नहीं तुसी दसो। नहीं तुसी। नहीं तुसी दसो। ओए तुसी दसो पिछले दो। मैं नहीं बताऊंगा। तुसी बक बक कर दियो। तो गाइस इन सब ने मेरे पे छोड़ा है कि आप डिसाइड करो किधर जाना है। तो मेरे बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि यार ये देखे तंग कर रहे हैं, व्लॉग खराब कर रहे हैं, लेकिन इनको इग्नोर करें आप, ठीक है। तो बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि शालकोट का बड़ा सुन है पापा जॉन्स या क्या नाम है, जोनस, पापा जोनस यार ये इस तरह को कुछ कहते हैं। तो चलो चल के ना डिसाइड करते हैं और ट्राई करते हैं। फाइनली हम पापा जॉन्स आ गए हैं, तो चलो चल के पहले ऑर्डर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। गाइस सीन ये हुआ है कि कोरोना की वजह से ना सीटिंग नहीं है अंदर, सीटिंग वो कह रहे हैं अलाउ नहीं है। हमने वैसे भी उनको बताया है कि हम यूट्यूबर हैं, कि हमें पता है कि हम कितने बड़े यूट्यूबर हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम मैनेजर से पूछते हैं, तो देखिए अब क्या होता है, परमिशन मिलती है कि नहीं, तब तक हम ये मेन्यू देखते हैं। वो ना रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने परमिशन दे दी हमें अंदर जाने की, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि काफ़ी फ्रेंडली जो है ना इनका स्टाफ है, ठीक है। तो कुछ शरायत है इनकी, मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइज़र, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ऑर्डर कर लें हम, क्या ऑर्डर करना है मैडम, क्या है आपका स्पेशल? जो सिग्नेचर से बीफ बर्गर। अच्छा तो ओवरऑल यहां पे तो नहीं मिलते। अच्छा तो मैडम पिज़्ज़ा में बताए हैं कौन सा आपका सही वाला स्पेशल? चिकन में चाहिए, बीफ में चाहिए? चिकन में चाहिए हमें। चिकन में हमारे क्लासिक्स हैं सर, इसमें 6 पिज़्ज़ा है। सिक्स पिज़्ज़ा ना मैडम, 4 पर्सन के लिए 6 पिज़्ज़ा तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। अच्छा फ्लेवर 6 हैं, चले मैडम हम। तो सबसे ज़्यादा क्या चलता है मैडम? थैंक यू मैडम। ये जो ग्लव्स हैं ये हमें इन्होंने प्रोवाइड किए हैं क्योंकि परमिशन अंदर है। तो गाइस ऑर्डर हमने दे दिया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे स्पेशल जो है ना इधर पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है। तो वो हमने 2-3 डील की हैं डिफरेंट, तो वो चेक करते हैं। और बाकी जो है ना हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई है, बस वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में ना हम आपको बुलाते हैं, ठीक है। वो ग्लव्स और ये सैनिटाइज वगैरह हम सब ने वो क्या पूरा किया है, तो अंदर चलते हैं। ये फ्री का सैनिटाइज़र है, जितना मर्ज़ी लगाओ, ठीक है। तो वो मैडम मुझे मेरा नंबर मांग रही थी और कह रही थी गुड नेम, तो मैं उनको कहने लगा था गुड नेम नहीं, हमारा एक ही नेम है वकार अहमद, ठीक है। वो भी कभी नहीं किसी ने बुलाया। पेंडू पान दिखा दिया ना यार, पेंड से आए हैं तो पेंडू ही है ना, क्या हो गया यार। तो वो गुड नेम भी कोई नहीं बुलाता, सारे वकारी वकारी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी शर्फ हासिल होता है कि वकार अहमद, तो बस वेट कर रहे हैं कब बुलाते हैं हमें अंदर।
गाइस मैं और टीपू पापा जॉन्स अंदर जाने की परमिशन मिल गई, अंदर हमें बुला रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखें, पूरी देखें कि ये बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा, इसके बारे में हम क्या रिव्यू करते हैं। तो चलो चलें हमारे साथ, चलें। पापा जॉन्स जो है ना, ये एक इंटरनेशनल पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। तो आजकल इधर सीटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी बड़ी जो है ना, वो हम कह रहे हैं जिंदा दिली है कि जो इन्होंने हमें इधर सीटिंग प्रोवाइड कर दी है। और ये पता नहीं अभी यूट्यूब पे व्लॉग की वजह थी या वैसे ही वो करते हैं, हमने उनको बताया हम काफ़ी दूर से आए हैं और स्पेशल आपके लिए आए हैं, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा बाहरी हो गया, तो अभी ऑर्डर का वेट है, उसके बाद ऑर्डर आता है। तो गाइस आप सारे सोचते होंगे कि टीपू और मैं इधर आपको ले तो आए हैं, लेकिन आपको इधर की लोकेशन नहीं बताई। ये सियालकोट कैंट के अंदर जो है ना, मैकडोनल्ड के बैक साइड पे है। इधर और भी फ्रूट ब्रांड्स हैं और शॉपिंग मॉल्स भी हैं। ये सामने लिखा हुआ है फूड स्ट्रीट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम रुके हैं और बस। अच्छा टीपू भाई से एक सवाल करता हूँ मैं, इधर टीपू भाई को दिखाएं। टीपू भाई, हमारे ये टीपू भाई बड़े एक्साइटेड थे इधर आने के लिए ना, तो कैसा लग रहा है इधर आके? भाई बहुत मज़ा आ रहा है इधर। मज़ा यार, अभी पिज़्ज़ा तो मिला नहीं, मज़ा कैसा आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हमारी बात सुनी की है। तो इन्होंने हमारी बात सुनी है, हमें सिटिंग दी है, तो बहुत कॉपरेट किया इन्होंने, तो थैंक यू। यार यार क्या हालात हैं पाकिस्तान के हैं टीपू भाई। टीपू भाई क्या हालात हैं पाकिस्तान के? ये लिखा पढ़े देखें, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होती है, चोरी होने की सूरत में वेलफेयर शॉप जिम्मेदार नहीं होगी। कैंट के अंदर फौजी एरियाज़ के अंदर ये हाल है, तो बाकी क्या होंगे? सलाम पाक फौज, सलाम पाकिस्तान। फाइनली आवर ऑर्डर, पहले आप हमारा ऑर्डर आ गया, तो पकड़ना यार है। ये कौन सा है? ये हमारा ही है। तो अच्छा। मैडम बिल, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आने लगी है, मैं लेके आती हूं बिल देखने। चलिए मैडम, थैंक यू। ये तीसरा किधर से आया? ये अभी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स रहती थी के पिज़्ज़ा वगैरह आ गया, तो मैडम कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही हैं। यार हमें गाड़ी में सर्विस मिली है बैठ के, वाह यार, अमीरों वाली फीलिंग, जिंदगी में पहली दफ़ा पेंडुओं को अमीरी वाली फीलिंग। टीपू ग्याना को प्लीज़ टीपू ग्याना को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं पापा जॉन से बात कर रही हूँ, काइंडली आप टीपू ग्याना को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। मैडम हमसे मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैडम मेरा नाम बोल दे। टीपू ग्याना। थैंक यू मैडम। वेलकम सर। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज़। फाइनली यार हमारा ऑर्डर आ गया, इतना वेट नहीं करना पड़ा, सर्विस इनकी बड़ी अच्छी है, ठीक है। फिलहाल अभी तक तो मैं इनको सही रेट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारे इजलान भाई पिज़्ज़ा खोल रहे हैं, तो खोला हमने, तो इधर गाड़ी में बैठ के ही पहले पेप्सी डालो यार, तो काफ़ी अच्छा सीन है, करीब से दिखाओ यार। दूसरा नहीं खोला वो, क्या ऐलान वो खोल क्या है? हाँ ठंडी पेप्सी। ये कौन सा फ्लेवर था? ये यार वो चप्पल वाला, चप्पल कबाब, सॉरी चप्पल और थी क्रिस्प, वो खाने वाली चप्पल नहीं, चप्पल कबाब, सॉरी हाँ चप्पल कबाब वाला था वो। तो चलो आप पढ़ती रहती हैं आप, हाँ आपसे तो कम ही पढ़ती हैं। यार देखिए घर से सबकी होती है, घर में ऐसा कोई सीन नहीं। चलें यार। मजे दे गए यार, बड़े कमाल का पिज़्ज़ा है, वाकई जितना सुना था ना इसके बारे में उतना टेस्ट है। सियालकोट से बाकी सारे भी मैं ट्राई किए हुए हैं, लेकिन ये अभी फ़िलहाल तक ना बेस्ट है, बाकी रेटिंग इसको एंड पे करते हैं। तो टीपू भाई आप भी खा लेना, छोड़ें कैमरा। हाँ
ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਹਨ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਵੇਚ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਮਸ਼ੀਨ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮਾਰਾ ਗਲਾਸ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਮੇਂ ਗਲਾਸ ਦੇਣੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੋ ਯੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ 10/10 ਅਜ਼ਲਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਅਜ਼ਲਾਨ ਭਾਈ ਮਨਸੂਰ ਰੇਟਿੰਗ 6/10 6/10 ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂ 6/10 ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ 6/10 ਆਪਨੇ 10/10 ਕਿਉਂ ਦਿਆ असल में ना ये टीपू भाई का टेस्ट के साथ कोई तल्लक नहीं है टेस्ट की बात नहीं मैंने देखा है कि इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है इसलिए 10/10 दे रहा हूँ उनके पीजे जो है ना एक बार कहें दूसरी बार खाने का दिल नहीं करता अब हम खा के सब फिनिश करके उजाड़ा पा के खड़े हो गए हैं तो अब मैं हम इसको रेटिंग करेंगे टीपू भाई रेट करें 10/10 10/10 और 6/10 क्यों आप अपना बताएं ना आपके कितने आप बताएं यार निकाल दो निकाल दो जो निकालना है आप बताएं पता फिर थोड़ा वल्गर हो जाना वल्गर करो यार की क्या मंसूर तुम्हारा कितना कितना 5/10 6/10 10/10 यार ये गाड़ी वाला ना बड़ी देर से खड़े हैं बेचारे नई ली है कभी आ रहा है कभी जा रहा है गाड़ी वाला जो है ना इसने गाड़ी अपनी रेनोवेट अच्छा किसी ने मुझसे पूछा सब तो बहुत ही गड्डी केड़ी पाई दी है तो मैं आख्या बगानी भाई हाँ जी यार मैं रात से एक बात सोच रहा हूँ यार पहले तू मुझे ये बता तू सोचता भी है यार छोड़ देना गल्ला नू सोचना ना सोचना छोड़ मैं रात दा एक सोचया एक शेर है वो मेनू तू पंजाबी च करके बहाना अच्छा दसो नाज की उसकी लब की क्या कही आहा हा आहा पंखड़ी गुलाब की सी आहा हा इनू तू पंजाबी च करके दस अच्छा नाज की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी इसको पंजाबी में करना है पंजाबी में यार रही पंजाबी या चुटकी दा काम है चलो जा ले हो गया दस सुरही ओदे बुल्लां दी भैन दी सिरी बुल्लां दी हो गया ना ले तेरी टाइम ए ठीक है आज का हम अपना फूड व्लॉग शालकोट फूड व्लॉग जो है वो इधर हम एंड करते हैं ठीक है तो आज हमने पापा जोन्स का पिज़्ज़ा ट्राई किया और साथ कुछ क्रीम रोल थे और इसके पिज़्ज़ा को रेटिंग की ठीक है हम डिफरेंट चार लोग थे सब ने डिफरेंट रेटिंग की किसी ने 6/10 किसी ने 10/10 किसी ने 5/10 ठीक है तो मैंने किया था 6/10 ठीक है तो अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें सॉरी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक आती रहें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इधर विज़िट करेंगे या नहीं या कर चुके हैं ओके बाय वीडियो को देख के टिकी ना हो जाए करें सब्सक्राइब जरूर करें।